हेलो अबू ईमान। हाय मैम। तो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उनके आपको जवाब देने हैं। बेसिकली क्वेश्चन साइंस के ही होंगे, ठीक है? ओके मैम। चलें, बताएं वाईफाई का फुल फॉर्म बताएं। वायरलेस फिडेलिटी। गुड। भारतीय डाक विभाग ने किस सन में ई पोस्ट शुरू किया था? वर्ष 2001 में। वेरी गुड। इसरो का गठन कब हुआ था? सर 1969 में। क्या आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस स्वामीनाथ। स्वामीनाथ या सोमनाथ? सोमनाथ। एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, ठीक है। अच्छा, जमीन से जमीन पर मार करने वाली किसी मिसाइल का नाम बताइए। पृथ्वी। गुड। मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताएं। अबुल फकीर जनरल अब्दीन अब्दुल कलाम। वेरी गुड। अभिमान बहुत अच्छा कर रहे हो आप। चलिए और आगे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, एल्युमिनियम के उद्योग कारखानों के नाम बता सकते हैं आप? बाल्को, नालको, हिंडाल्को। अच्छा जी, पेट्रोलियम उद्योग का एक कारखाना जिसमें हम लोग पेट्रोल को रिफाइन करते हैं, कोई रिफाइनरी बताइए कहाँ है? पेट्रोल की रिफाइनरी। किसी जगह का नाम आपके दिमाग में आ रहा है कि कहाँ पर है? चलिए ऑप्शन देते हैं। रसूलाबाद, मथुरा, आगरा, पंजाब। मथुरा। राइट आंसर ही मथुरा में ही है। आईसीटी का शुरुआत कब हुआ? 2004। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। व्यापार का क्या अर्थ होता है? क्रय और विक्रय। हरित क्रांति क्या है? फसल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के जनक बता सकते हैं? एम एस स्वामीनाथन। गुड। अच्छा, प्लास्टिक के कई प्रकार होते हैं, तो कार और ट्रकों की खिड़कियों में जो प्लास्टिक लगती है उसका नाम क्या है? गुड। नॉन स्टिक बर्तन पर जो प्लास्टिक चढ़ता है उसका क्या नाम है? नहीं, गलत जवाब है इसका। एक मौका और सोच कर बताइए। मेलामाइन के तो बर्तन बनते हैं, एक बर्तन पे ब्लैक कलर की परत चढ़ती है जो कि उष्मा रोधी होती है, इससे खाना मतलब उष्मा रोधी नहीं, सॉरी नॉन स्टिक होता है, खाना उससे चिपकता नहीं, टा से नाम होता है उसका। गुड। चले बताएं कि ये फोटोक्रोमिक लेंस प्राप्त करने के लिए, कांच प्राप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। गुड। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? नाइट्रोजन। थर्मोकोल का दूसरा नाम? स्टाइरोन। ठीक है, किन्हीं चार प्रकार के कांच के नाम बताओ? फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, फोटोक्रोमिक कांच, साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच। अणु क्या होता है? अणु वो होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें बताइए अणु और परमाणु में अंतर क्या होता है? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और इसकी पहचान? परमाणु के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, नाम बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अणु और परमाणु का अंतर ये सबसे छोटा, ये पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और परमाणु मिलकर अणु बनते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और हम पूछ लेते हैं आपसे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? सर जेम्स चैडविक। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? दो। समस्थानिक क्या होता है? बताइए समस्थानिक। सॉरी
करना ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए ठीक है। ऑल द बेस्ट।